Hi everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing well. So first of all, many congratulations to all the selected candidates. जिन लोगों का भी junior stenographer, junior scale stenographer या stenotypist का exam qualify हुआ है, many congratulations आप सभी को. So बहुत time के बाद कोई अच्छी न्यूज़ आई है JKSSB की तरफ से, एंड आई होप आने वाले टाइम में भी कोई अच्छी न्यूज़ रिलेटेड टू एग्ज़ाम्स आएगी, जिसमें कि आपके जो भी एग्ज़ाम्स अभी तक नहीं हो पाए हैं वो जल्दी ही कंडक्ट कराए जाएंगे. सो इस एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 217 पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज की गई थी अंडर डिफरेंट नोटिफिकेशंस, नोटिफिकेशन नंबर 4, 5, 6 and 7 ऑफ 2020 एंड नोटिफिकेशन नंबर 1, 2 and 3 ऑफ 2021. सो इन सारी नोटिफिकेशंस में जो पोस्ट ब्रेकअप है 217 पोस्ट का वो किया गया था, एंड अभी जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट प्रिपेयर की गई है सिलेक्शन कमेटी के द्वारा, उसमें टोटल 179 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो आउट की गई है बेस्ड ऑन देयर मेरिट एंड एलिजिबिलिटी. तो इस एग्ज़ाम की अगर मैं एसेंशियल जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन थी उसकी बात करूँ तो इसमें जो आपको डिज़ायर्ड क्वालिफ़िकेशन थी वो थी ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, हैविंग मिनिमम स्पीड ऑफ 65 एंड 35 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपराइटिंग रिस्पेक्टिवली. उसके अलावा 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट. तो ये थी डिज़ायर्ड क्वालिफ़िकेशन इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए. तो नीचे आप देख सकते हैं जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं. तो डिफरेंट डिपार्टमेंट में जिनको जो डिफरेंट डिपार्टमेंट अलॉट हुए हैं कैंडिडेट्स को, तो वो सारी लिस्ट जो है यहाँ पे अवेलेबल है. कुछ कैंडिडेट्स के जो रिकमेंडेशन है वो विदहेल्ड भी की गई है, तो उनको जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स जिनको जो नहीं अभी तक सबमिट करा पाए हैं उनको विद इन टाइम ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये अपने सबमिट करवाने हैं. सो जिन भी कैंडिडेट्स की रिकमेंडेशन विदहेल्ड की गई है, एंड सो दिस इज़ द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, जिसमें आप देख सकते हैं जो टॉपर कैंडिडेट हैं वो है मिस रितिका एब्रॉल. अभी मैंने यहाँ यस तो ये हैं रितिका एब्रॉल. तो इनके टोटल जो स्कोर है वो है 70.50 आउट ऑफ 100. एंड तो ये जो सिलेक्शन लिस्ट है ये अवेलेबल है ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ JKSSB, तो आप वहाँ पे जाके ये लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं. तो अब इस सिलेक्शन लिस्ट के आउट होने से एक पॉजिटिव सा जो है वो फील आ रही है कि आने वाले टाइम में जो भी एग्ज़ाम्स अभी JKSSB के कंडक्ट नहीं हुए थे वो जल्दी ही कंडक्ट कराए जाएंगे. सो many congratulations to all the selected candidates and all the best to all the aspirants, जो लोग भी JKSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं.